कोरोना के चलते पूरे देश भर में शुरू लॉकडाउन केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश घोषित की है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य जोन में कई प्रकार की छूट दी गई है। लॉकडाउन के तहत नई शुरुआत करने के लिए उद्धव सरकार ने मिशन बिगेन अगेन की घोषणा की है। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा लॉकडाउन 5 के तहत जो दिशा निर्देश जारी की गई है वो इस प्रकार है। घरों से बाहर की एक्टिविटी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, 65 साल से अधिक उम्र वाले नागरिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए अनुमति है। साइकिलिंग, मॉर्निंग वॉक की अनुमति प्रदान की गई है। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक निजी और सार्वजनिक मैदान, समुद्र किनारा, उद्यान आदि जगह पर व्यायाम के लिए अनुमति है। इंडोर स्टेडियम में अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सामूहिक ग्रुप एक्टिविटी को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। घर और गाड़ियों की रिपेयरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर काम करना ज़रूरी है। गैरेज से समय लेकर ही अपने वाहन दुरुस्तीकरण के लिए लेकर जाए। मार्केट और दुकानें लॉकडाउन 5 के तहत कोई भी मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। छोटी दुकानें एक दिन छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, जिसका फैसला संबंधित विभाग के विभाग अधिकारी लेंगे। प्रवासी साधनों में प्रवासियों की निर्धारित संख्या, टैक्सी अथवा कैब 1+2, रिक्शा 1+2, फोर व्हीलर 1+2 और टू व्हीलर केवल चालक को अनुमति प्रदान की गई है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस को लेकर और जानकारी अन्ना साहेब मिसाल ने दी है, सुनिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शिथिलता होने वाली है 8 तारीख से, तो उसमें हम गार्डन में वॉक कर सकते, इंडिविजुअल जो एक्टिविटी होती है, जो ग्रुप एक्टिविटी अलाउड नहीं है, और जो शॉप्स है शॉप्स ओपन करने के लिए अल्टरनेट ऑड इवन डेट्स के हिसाब से वो अरेंज करना है, तो ये चीज़ होने वाली है जहाँ लोगों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन इसमें जब भी हम ये नया बिगनिंग शुरू करते हैं कि लॉकडाउन रिलीज करने का जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, तो उसमें हम सबकी, हर एक नागरिक की एक जवाबदारी है कि हमने ये सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग हो या अपना पर्सनल हाइजीन हो, तो इसका संक्रमण नहीं होना चाहिए। ये हिसाब से अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ये वायरस के साथ जीना सीख लेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक आउटडोर एक्टिविटीज़ को इजाज़त दे दी गई है और नवी मुंबई शहर के लिए ये राहत भरी खबर है। नई गाइडलाइंस के अनुसार नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने अब नई लिस्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है अब नवी मुंबई शहर में कंटेनमेंट जोन किस क्षेत्र का होगा, जिसमें बताया गया है कि अब नवी मुंबई शहर में कंटेनमेंट जोन किस क्षेत्र को घोषित किया गया है। नवी मुंबई में अब सिर्फ 30 ही इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो जानिए कौन कौन से कंटेनमेंट जोन है। सबसे पहले बेलापुर की तरफ बढ़ते हैं। बेलापुर में करावे गांव और सेक्टर 14 दिवाले गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नेरुल में कुल 6 इलाके हैं, जिसमें शामिल है शिरावने गांव सेक्टर 23, जुईपाड़ा, जुईनगर, गांधीनगर एमआईडीसी नेरुल, सारसोले सेक्टर 6, शिवाजी नगर नेरुल, सेक्टर 14 प्लॉट नंबर 253 कुक्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वाशी विभाग में एक ही क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है, जिसमें शामिल है सेक्टर 10-11 जुहू गांव। तुर्बे में इन दिनों सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए अब तक यहां 11 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन की सूची में डाला गया है। इनमें शामिल है सेक्टर 21 तुर्बे, इंदिरा नगर, सेक्टर 22 तुर्बे, हनुमान नगर तुर्बे, सेक्टर 4A सानपाड़ा, ड्रम गली,
तुर्बे स्टोर, सेक्टर 20 तुर्बे, सेक्टर 18 अंबेडकर नगर, इंदिरा नगर, पावने गांव कंटेनमेंट क्षेत्र में घोषित किया गया है। बता दें कि कोपर केरना में एक इलाके को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और वो है सेक्टर 19। घनसोली में दो इलाकों को कंटेनमेंट सूची में डाला गया है और उनमें से शामिल है घनसोली चिंच आली सेक्टर 1 घनसोली। बढ़ते हैं एरोली के तरफ। एरोली में सिर्फ 4 इलाकों को कंटेन सूची में डाला गया है और इनमें शामिल है एरोली सेक्टर 1 आदर्श चौल और समता नगर चौल, चिंचपाड़ा, पंचशील नगर, कटकरी पाड़ा, रबाले, एरोली गांव कंटेन क्षेत्र घोषित है। दीघा में भी 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और इनमें शामिल है दीघा नामदेववाड़ी, बिंदु माधव नगर, इल्ठन पाड़ा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो इसी के साथ नवी मुंबई में सिर्फ 30 क्षेत्र को कंटेन जोन में डाला गया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।